हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। फ्रेंड चलिए आज बात करने वाले हैं पासवर्ड के बारे में। तो फ्रेंड आप सबने अगर एक वीडियो बनाया हूँ, आप सबने नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिए वो वीडियो। तो उस वीडियो में यही है कि अगर ईमेल आईडी आप भूल गए हैं तो ईमेल आईडी कैसे ढूंढे, उसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक आई बटन में मिलेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज बात करने वाले हैं पासवर्ड के बारे में। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपको पासवर्ड नहीं पता है कि पासवर्ड कैसे ढूंढे, पासवर्ड क्या था, तो आज वीडियो में बने रहिए, एकदम निश्चित बने रहिए। बस कुछ ही सेकंडों का काम है, आपका पासवर्ड मतलब मिल जाएगा। पहले क्या होता था फ्रेंड कि हम ईमेल आईडी बना लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड लिख कर कहीं रखते नहीं हैं, और उसके बाद ये मन में होता है कि चलो पासवर्ड खो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा ईमेल आईडी बना लेंगे। ऐसे बहुत मतलब ईमेल आईडी बनाकर लोग यूज करते हैं, चलाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई ईमेल आईडी कोई मतलब फ्यूचर के लिए मतलब किसी फॉर्म में या कहीं भी लगाए हुए हैं और वहाँ पासवर्ड भूल जाते हैं, और फिर से वही पासवर्ड जरूरी होता है आपके लिए, एकदम अनिवार्य होता है, तो पासवर्ड कैसे ढूंढेंगे। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड कि आप बस वीडियो में बने रहिए, पासवर्ड कैसे ढूंढेंगे, जो मैं एक रास्ता बता रहा हूँ मात्र यही एक रास्ता है पासवर्ड ढूंढने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है पासवर्ड ढूंढने का। तो आप एकदम विश्वास बनाए रखें, क्योंकि दूसरा रास्ता यही है कि इस पर फॉरगेट पासवर्ड या पासवर्ड रिसेट करके दूसरा पासवर्ड लगा सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा झंझट है। लेकिन पहले क्या होता था कि फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड लगा लेते थे, लेकिन इस टाइम नया पासवर्ड लगाने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना पड़ता है, तब जाके वो नया पासवर्ड रिसेट मतलब लागू होता है, पुराना पासवर्ड रिसेट होता है। तो फ्रेंड आप वीडियो में बने रहिए, एकदम आसान तरीका से बताने वाला हूँ कि पासवर्ड कैसे मिलेगा। अगर इस वीडियो में अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो समझिए आपका पासवर्ड दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोबारा आप रिसेट करना ही पड़ेगा पासवर्ड को, और उसके बाद नया पासवर्ड डालना पड़ेगा फ्रेंड। तो एक यही रास्ता है, तो जो जैसे मैं बताने वाला हूँ जिस वेबसाइट से बताने वाला हूँ उसमें अगर आपका एक बार भी अगर मतलब ईमेल आईडी लॉगिन हुआ होगा तो आपका पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे मैं बात करने वाला हूँ मतलब गूगल से, क्रोम ब्राउजर से, कि अगर उसमें अगर एक बार भी अगर आप जीमेल आईडी उसमें लॉगिन किए होंगे तो आपका पासवर्ड एकदम गारंटी के साथ है मिल जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो दिक्कत है, तो आके रिसेट पासवर्ड करके उस बार नया पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो वीडियो में बस बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, आपका पासवर्ड मिल जाएगा। तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी छोटी सी कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए कि कोई भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और इसी वीडियो से जुड़े मैं वीडियो डालता रहता हूं, बनाता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं होम स्क्रीन पे। फ्रेंड होम स्क्रीन पर आ गए फ्रेंड, अभी आ जाइए। आने के बाद आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड, आप सबको भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। चलिए ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका ऐसा फेस आएगा, ऐसा फेस आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर इसी पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग का, इसी सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपका। आने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको यहाँ पर देख रहे हैं पासवर्ड, इसी पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो भी इस मतलब क्रोम ब्राउजर या गूगल पर जो भी आप मतलब लॉगिन किए होंगे सारा वो दिख जाएगा। देखिए मेरा सब दिख रहा है यहाँ पे, मैं ब्लोर किया हूँ इसलिए कि ये प्राइवेसी है, मैं दिखा नहीं सकता आप सबको, इसलिए मैं ब्लोर किया हूँ फ्रेंड। तो मैं बता दूँ कि यही मतलब यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। सबसे पहले बता दूँ अगर यहाँ पर सेव पासवर्ड अगर ऑन होगा आपका तो पासवर्ड मिल जाएगा, अगर सेव ऑन नहीं होगा तो आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा। और यही एक रास्ता है पासवर्ड ढूंढने का। दूसरा रास्ता यह है कि आपका पासवर्ड रिसेट करने का, नया जनरेट करने का पासवर्ड, तभी आपने पासवर्ड हो पाएगा, नहीं तो आप ये इसके अलावा कोई भी पासवर्ड आप नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड आप अगर लॉगिन किए होंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड मैं बहुत सारा लॉगिन किया हूँ तो मैं दिखा देता हूँ आप सबको। तो चलिए फ्रेंड आपको इस जो ये दिख रहा है मैं ब्लोर किया हूँ, इसमें आपका दिख रहा होगा google.com, जैसे गूगल पर जो आपका लॉगिन किए होंगे गूगल अकाउंट, ऐसा ही जो गूगल अकाउंट दिखा रहा है वैसा ही दिखा रहा होगा, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, मैं ब्लोर किया हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड मैं दिखा देता हूँ, चलिए
दिखाने के बाद सबसे पहले हम इस ईमेल आईडी पर हम क्लिक कर देंगे, जो ये ईमेल आईडी दिख रहा है, बाकी सब ब्लोर किए हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको सबको दिख रहा है कि मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है। दिखने के बाद यहाँ यूजर नेम है ये, उसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड है। तो पासवर्ड का जो है आँख जैसा मतलब आइकन दिख रहा है, हम इसी पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं ओपन हो गया है फ्रेंड। शायद आप सबको ये पासवर्ड न दिखता हो, क्योंकि ये मतलब गूगल का प्राइवेसी है कि पासवर्ड किसी को ना दिखाया जाए, तो इसीलिए अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा होगा तो फ्रेंड आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं ये इसे ओपन कर दिया हूँ, मेरा पासवर्ड दिख रहा है, तो ऐसे आप भी पासवर्ड अपना देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसके बारे में जो भी जुड़ा हुआ है उससे मतलब सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए।